जितने बिरादरियों के अध्यक्ष हैं ओबीसी समाज के और जितने भी संस्थाएं हैं सबको इकट्ठा करके जो अधिकार यात्रा निकाली थी, आज वो उसी अधिकार यात्रा का एक निचोड़ निकाला जा रहा है कि हमने जो किया था उसका हमें क्या प्राप्ति हुई। जो सरकार ने नामोक्लेचर चेंज किया ओएससी से ओबीसी, और नामोक्लेचर के चेंज करने के साथ साथ पंचायती राज एक्ट जो है 1999 का उसमें अमेंडमेंट भी की। अभी वो यानी कि ओबीसी की रिजर्वेशन होगी पंचायती राज सिस्टम में, लेकिन ये अभी पार्लियामेंट में जाएगा। अभी म्यूनसिपैलिटियों में नहीं की इन्होंने, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, टाउन एरिया कमेटीज़ हैं, उनमें अभी जो 2000 का एक्ट है उसका अभी उसमें अमेंडमेंट नहीं की, और नौकरियों में स्थायी पर्सन हमें नहीं दी। ये अभी मतलब कहने का कि ये 5% शुरुआत हुई है, और हम जो है अधिकार यात्रा 26 फरवरी अब यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं, हम 26 फरवरी 2023 को उधमपुर, रियासी और चंद्रमणी में जाएगी 4 दिन के लिए। उसके बाद 6 अप्रैल को बिलावर बसोली 4 दिन के लिए ये अधिकार यात्रा जो निकाली जाएगी। आज का जो हमने अधिकार यात्रा निकाली थी उसका हमें फ्रूट कुछ रिजल्ट मिल रहा है। हम चाहते हैं जैसे इन्होंने पंचायती राज सिस्टम लोकल बॉडीज़ में हमें की कर ले हैं, हम गवर्नमेंट से बात करते हैं कि हमारी हमें 27% रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके लिहाज से सब जगह मिल रही है, लेकिन हमें अफसोस है कि यहाँ पर 2% या 4% हमें रिजर्वेशन मिल रही है। उसमें भी हमें पॉलिटिकल, हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन ताकि जो हमारा समाज है पछड़ा हुआ समाज है ये भी जा सके। हमारी जो बिरादरी है वो सेंटर में करनी चाहिए, लिस्ट में आनी चाहिए सेंटर की। हमारी बिरादरी बोरिया बिरादरी जो है जिसमें और पढ़े लिखे हैं हमारे बच्चे बोरिया बिरादरी के, अभी तक कोई भी कोई जाप नहीं कर रहा है। हमारी भी एक पिछड़ी जात है और उसको बोरिया बिरादरी को फिर ही मैं कहती हूँ दोबारा बड़ी मेहरबानी बड़े धन्यवाद, हमारी जो बिरादरी बोरिया है वो सेंटर में लिस्ट में ले आनी चाहिए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।